हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। दोस्तों आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का अपना ये लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर फिफ्थ। चार लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो इसके अंदर अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे फोर्सेस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो अपन जैसा कि जानते हैं कि जब भी अपन कहीं पे भी अर्थ सरफेस के ऊपर अगर अपनी नज़रें अगर फैलाएं तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अपने को दिखते हैं। जैसे माउंटेन्स दिख गए, प्लेन्स दिख गए, प्लेट्यूज दिख गए, ओशंस दिख गए, कॉन्टिनेंट्स दिख गए। तो ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है इनके पीछे दो फोर्सेज का मेन हाथ रहता है। वो फोर्सेज कौन कौन से हैं? वो फोर्सेज हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक दीज आर इंट्रूसिव और एक्सोजेनेटिक दीज आर एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव ये टर्म अपन ने बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से पिछले लेक्चर में समझ ली थी, क्योंकि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव टाइप की अपने इग्नस रॉक्स के बारे में स्टडी करा था। ठीक है, तो इंट्रूसिव का मतलब क्या होगा? मान लो ये आपकी अर्थ है तो ये कहीं ना कहीं एट द इंटीरियर ऑफ अर्थ यहाँ पे ये एक्टिवेट रहेंगे। ठीक है, और एक्सट्रूसिव का मतलब हो गया आपका आउटर सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे कहीं पे ये अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन थोड़ी डिटेलिंग और देखें तो जो इंट्रूसिव फोर्सेस हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, वो एक सेकेंड, हाँ, वो आपके विद इन द अर्थ ओरिजिन होंगे। जबकि ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है? रिलेटेड टू एटमोसफियर, मतलब एटमोसफियर से डेराइव्ड होंगे। चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे प्रेशर की वजह से हो, चाहे प्रेसिपिटेशन की वजह से हो। प्रेसिपिटेशन एक कॉमन वर्ड है जो आपके बहुत काम आएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब फॉल ऑफ ह्यूमिडिटी इन फॉर्म ऑफ इट मे बी सॉरी रेनफॉल, आइस फॉल, स्नोफॉल, एनीथिंग कैन इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो अभी अपना जो टारगेट है, एक सेकेंड, जी, तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं तो ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो किससे रिलेटेड हैं? आपके एटमोसफियर से रिलेटेड। और इनका काम क्या है? डिनुडेशन। डिनुडेशन का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स का मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन स्टडी करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग। ठीक है, चलिए। एंडोजेनेटिक फोर्सेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फास्ट जिनको कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं, दूसरे डायस्ट्रॉफिक स्लो। फास्ट कैटास्ट्रॉफिक मीन्स सडनली वहां पे कोई इवेंट होगा, वो किस वजह से हो सकता है? वो हो सकता है या तो अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज। देखो अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, दो प्लेट मान लो, अपन आगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दो प्लेट्स हैं, दोनों कोलाइड हो रही हैं, इस वजह से भी हो सकता है। दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उस वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। और वॉल्केनो का पता है, वॉल्केनो की कंडीशन बनती है कि आपकी एक हैवी प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है लाइटर प्लेट के नीचे। तो यहां पे क्या है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, आपका हाई टेम्परेचर है तो ये जो मटेरियल आपका नीचे जो सबडक्ट कर रहा है ये क्या करेगा, मेल्ट। ये जैसे ही मेल्ट करेगा तो यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये इकट्ठा होगा तो यहां से ये बाहर निकलने के लिए प्रेशर अप्लाई करेगा, और यहां पे अगर रॉक्स थोड़ी सी ब्रेक कहीं पे मिल गया, स्पेस कहीं पे मिल गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से इरप्शन हो जाएगा और आपके वोल्केनोज डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से वोल्केनोज डेवलप होते हैं। और अपने को पता है इस सरफेस के ऊपर अगर पहले कोई लैंडफॉर्म था तो उसको इस वोल्केनो ने तोड़ दिया होगा या फिर आकर के कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन वहाँ पे कर दिया होगा। इसलिए इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफिक, मतलब कैटास्ट्रॉफ, कुछ ना कुछ लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो फास्ट जो फोर्सेस हैं एंडोजेनेटिक वो सडन होते हैं और कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। फिर बात आती है आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की, जो कि स्लो, बहुत स्लोली, धीरे धीरे काम करते हैं। ऐसा नहीं इनकी इतना सडन हो, नहीं, बहुत स्लो होंगे ये। इनके अंदर कौन कौन से काम हो सकते हैं, ऑरोजेनेटिक फोर्सेज। ऑरोजेनेटिक का मतलब माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे जो फोर्सेस काम करते हैं उनको ऑरोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं। दूसरा फॉल्टिंग या रिफ्टिंग, मैंने अभी बताया ये दो प्लेट से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दो लैंड मास दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ट्रफ बन जाएगा। अब ये जो ट्रफ बनेगा तो वो क्या हो गया आपका,
रिफ्टिंग और या फिर फॉल्टिंग हो सकती है। और फॉल्टिंग भी अलग अलग तरीके की होती है, जो अपन अलग से एक लेक्चर में पूरे स्टडी करेंगे। फॉल्टिंग कौन कौन से, फॉल्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। फोल्डिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं वो बिल्डिंग जब मतलब माउंटेन बिल्डिंग जब होती है, ओरोजनी जब होती है, तो ओरोजनी मेनली फोकस करती ही अपनी किसके ऊपर है, फोल्डिंग के ऊपर। फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, इनके बारे में अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। सॉरी, यू स्टैटिक ये टर्म यूज होती है मेनली आपकी ओशियंस के लिए। ओशियंस के अंदर वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट के बाद में जो इरोजन और उसके बाद में जो पूरी जो प्रोसेस होती है, उसके बारे में अलग से लैंडफॉर्म्स की स्टडी अपन करेंगे। लैंडफॉर्म डेवलप बाई द ओशनिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसके बारे में अपन देखेंगे। अभी फिलहाल अपन ये देख लेते हैं कि हाँ, यू स्टैटिक भी किस में आता है, डायस्ट्रोफिज्म में। डायस्ट्रोफिक फोर्सेज हैं, ये भी क्रिएट करेंगे स्लोली, एक साथ सडनली नहीं होंगे। एपिरोजेनिक, एपिरोजेनेटिक के अंदर कौन से होते हैं, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं तो बेसिकली विदाउट एनी डाउट ओशियंस भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये दोनों का हैंड इन हैंड काम चलेगा, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, क्योंकि एक लैंड मास हाई है तो दूसरा लैंड मास नीचे लो लैंड मास हो गया तो ओशियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइसोस्टैटिक का मतलब हो गया एक तरीके का बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शिप इन अ ओशियन, वो क्या है, वहाँ पे क्या होता है, एक बायंसी फोर्स लगता है। वो बायंसी फोर्स क्या करेगा, उस शिप को बैलेंस कर देगा, और जितना उसको एडजस्टमेंट में ऊपर करना है वो ऊपर रह जाएगा, और उसी के रेशो के अंदर नीचे की तरफ पानी के लेवल से नीचे की तरफ सबमर्ज रहता है। उसी से तो वो बैलेंस रहता है, बैलेंस रहने की वजह से वो आराम से फ्लोट करता है, नहीं तो डूब जाएगा। तो वो जो बायंसी फोर्स है जो कि बैलेंस क्रिएट करता है, वो बैलेंस जो होता है, उस बैलेंसिंग का एक एक्टिविटी आपकी अर्थ सरफेस पे भी होती है। मान लो कोई बड़ा माउंटेन है, ये हिमालयाज है। अब इतने बड़े लैंडमास को आपको बैलेंस करना है तो नीचे भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो ये बैलेंस कैसे होगा, लाइक अ पोल। अब इलेक्ट्रिसिटी पोल अगर आप कहीं पे माउंट करवा रहे हो तो पोल माउंट हो रहा है तो उसके नीचे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको गहराई में तो उसको गहरा खड्डा करके उसको बरी करना पड़ेगा ना, तभी तो वो बैलेंस बनेगा। तो ये जो सिस्टम काम करता है, ऊपर वाले मास को नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी रूट्स में कुछ हो तो वो बैलेंसिंग का काम जो होता है उसको बोलते हैं अपन आइसोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। एक टर्म अपनी रिपीटेडली यहाँ पे काम आती है, टेक्टोनिक। टेक्टोनिक जो वर्ड है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आपका कैटास्ट्रोफिज्म भी आ जाता है और डायस्ट्रोफिज्म भी आता है। क्यों? क्योंकि आपका अर्थक्वेक भी इंटरनली हो रहा है, वोल्केनोज भी इंटरनली हो रहे हैं, और उनकी उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है वो आपकी टेक्टोनिक है। अब टेक्टोनिक भी कैसे हैं, दो प्लेट्स अंदर मूवमेंट कर रही हैं, जो लेटेस्ट थ्योरीज आ रही हैं कि इंटरनली कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से ये काम कंटिन्यूसली होता रहता है और ये अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते रहते हैं। तो इसलिए टेक्टोनिक जो टर्म है वो टेक्टोनिक टर्म आपकी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसको आप ना भूलें, ठीक है। फिर बात आती है आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। अभी अपन ने शुरू में डिस्कस किया, ये क्या, एक्सट्रूसिव, अर्थ के सरफेस पे काम करेंगे, अर्थ के सरफेस पे ये एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये रिलेटेड किससे हैं, ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर जैसे कि क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है वहाँ का, क्या प्रेसिपिटेशन है, क्या ह्यूमिडिटी लेवल है, विंड सर्क्यूलेशन किस बेस क्या हो रहा है, पानी ज़्यादा है कि कम है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगे। उनके बेसिस के ऊपर ये फोर्सेस अपना काम करते हैं, इसलिए इनको एटमॉस्फेरिक डेराइव्ड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिन्यूडेशन। वो कैसे, मान लो शुरुआत में अपन ने कोई माउंटेन बिल्डिंग देखी, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत तेज़ रिवर फ्लो हो रहा है। अब रिवर फ्लो हो रहा है तो वो क्या करेगा, इसको इरोड कर देगा, इस वाले इन पोर्शंस को क्या करेगा, इरोड करना शुरू कर देगा। अब इरोजन हो रहा है तो इरोजन का मतलब वहां पे लैंड फॉर्म्स को आप मॉडिफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मॉडिफाई। तो बेसिकली जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनका काम क्या है, मॉडिफिकेशन।
फॉर्मेशन कौन कर रहा था? एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और मॉडिफिकेशन कौन करेगा? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन काम करता है। वो कॉम्बिनेशन आपकी फाइनल लैंडफॉर्म को जो शेप मिलती है वो देता है, जो आज अपन देखते हैं, और वो भी एक डायनेमिकल प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि आज हो गया कल नहीं होगा, वो कंटिन्यू है, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके सॉरी। फिर बात करते हैं कि डिन्यूडेशन जो हो रहा है उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज हो रही है। देखो, इसके अंदर सबसे पहले वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब हो गया, मान लो ये कोई रॉक है, वेदरिंग का मतलब हो गया कि इसका डिसइंटीग्रेट होना, डिसइंटीग्रेट होना, या फिर इसका डीकम्पोजिशन होना। अब डिसइंटीग्रेट का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, तो ये तो प्रोसेस हो गया आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, और डीकम्पोजिशन आपका हो गया केमिकल। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि डीकम्पोजिशन क्या होता है, सॉरी, डीकम्पोजिशन क्या होता है आपका केमिकल, और डिसइंटीग्रेशन आपका क्या होता है मैकेनिकल। ये अपने को अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, वेदरिंग हो गई, वेदरिंग हुई है तो जो भी आपका फोर्स है, मान लो विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ओशन वेव्स हो सकती हैं, कोई भी आपका जो एक्सटर्नल एजेंट है, इरोजन एजेंट है, वो इसको इरोड करेगा। इरोजन हो गया है तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ, यहाँ एक जगह इरोजन हुआ है तो वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है तो इन दोनों को कंबाइंडली अपन बोल देते हैं इरोजन। वेदरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको इरोजन बोलते हैं। कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि वेदरिंग जो है वो इरोजन के लिए मैंडेटरी है क्या, पर ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेदरिंग जो है अगर होती है तो आपका इरोजन इजी गोइंग हो जाता है, मतलब प्री कंडीशन इसको बोल सकते हैं, पर मैंडेटरी कंडीशन नहीं है वो, ठीक है। पर इरोजन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, तो इस चीज़ से कभी कंफ्यूज नहीं होए। अब बात आती है डिपोजिशन की। डिपोजिशन के अंदर ये एक कॉन्सिक्वेंस है, क्यों, वेदरिंग हो गई, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन तो उसको होना ही पड़ेगा, सेटल डाउन होगा तो डिपोजिशन होगा, तो ये तो आपका एक्ट हो गया और ये इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस हो गया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, तो डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ओके, डिन्यूडेशन एजेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, रिवर, मरीन वाटर, मरीन वेव्स, आइस, ग्लेशियर एक्टिविटीज़ एंड थर्मल एक्टिविटीज़, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। तो इस तरीके से डिन्यूडेशन किस तरीके से हो सकता है ये अपन ने देखा, और कौन कौन से एजेंट्स काम में आते हैं, और इनके बारे में अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो NCERT को उठाएं अच्छे से, और NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, जिससे आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ऑप्शनल पे भी आपका कमांड हो पाएगी, और जनरल स्टडीज़ में भी आपकी हेल्प हो पाएगी, जनरल स्टडी पेपर 1, ठीक है। तो वहाँ पर भी अपना ज्योग्राफी का सेगमेंट आता है, तो अपने को कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो आप करंट अफेयर्स में आप कवर कर पाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप कम से कम ज्योग्राफी की जो 11th और 12th की NCERTs है वो तो आप कम से कम रिपीटेडली पढ़ें, जितना पढ़ेंगे उतना कम है वो बुक्स, इतनी इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग जो है अगर उसको क्लासिफाई कर दो, तीन तरीके की हो सकती है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी एनिमल अगर अपना मान लो बिल खोद रहा है कोई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ बिल खोद रहा है तो नीचे वाली मिट्टी को बाहर निकाल देगा, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे ले जाएगा, इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, इस तरीके से क्या हुआ, मिट्टी सर्कुलेट होती रहती है। और यहाँ पर मान लो यहाँ अर्थ में कोई रॉक है और उसके अंदर उसने अगर खुदाई कर दी तो क्या होगा, ये जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हुई कि नहीं, इस तरीके से। दूसरा, मान लो कोई प्लांट है, उसकी रूट्स बहुत गहराई तक जा रही है, प्लांट है उसकी रूट्स बहुत गहराई तक जा रही है, तो रूट्स भी तो स्पेस क्रिएट करेगी ना, तो रॉक्स में ब्रेक तो आएगा, तो यहाँ पर जो ब्रेक आएगा उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन, अगेन डिसइंटीग्रेशन,
तो इसको भी क्या बोल दी, ये भी क्या है, वेदरिंग। तो ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ये सारे अपने थे बायोलॉजिकल प्रोसेस, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा प्रोसेस होता था केमिकल। केमिकल प्रोसेस वहाँ पे होता है जब वेट कंडीशन होती है, जहाँ पे वाटर थोड़ा बहुत अवेलेबल हो, जैसे कि ऑक्सीडेशन। मान लो केमिकल वेदरिंग है, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है, या आपके ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, सारे साल बारिश होती रहती है। इस चक्कर से वहाँ पे क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी है, वेट कंडीशंस है, और वेट कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, केमिकल वेदरिंग एक्टिवेट रहेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वर्ल्ड के अंदर केमिकल वेदरिंग का आपका आता है कास्ट टोपोग्राफी। क्या आता है, कास्ट टोपोग्राफी। ये बेसिकली नाम जो डेराइव्ड है वो कहाँ से है, यूगोस्लाविया के अंदर एक रीजन है एड्रियाटिक सी के पास में। जब आप अपन मैपिंग करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे, कि जब देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी से ये आ गया आपका इटली के इधर वाले एरिया के अंदर, ये आपका होता है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के इधर वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे यहाँ पे ग्रीस आ जाता है आपका, यहाँ पे बोस्निया, कोसोवो, सर्बिया, ये सारे जो कंट्रीज आते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज जिनका बाल्कनाइजेशन हुआ, तो अलग टॉपिक है थोड़ा। तो वो जो कंट्रीज जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे क्या है, एक लाइमस्टोन का बड़ा लैंडफॉर्म है, लाइमस्टोन से बना हुआ, और वहाँ पे वो ऊपर क्या होता है, वहाँ पे वाटर फ्लो है। अब पानी अगर वहाँ पे अवेलेबल है और लाइमस्टोन है, तो अपन जानते हैं जो वाइट वॉश अपन करते हैं, वाइट वॉश जो अपन घरों पे करते हैं, उसमें क्या होता है, वही चूना प्लस में वाटर, अगर ये दोनों मिल गए, लाइमस्टोन और वाटर दोनों मिल गए, तो अपना वाइट वॉश हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है, वो भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी और दूसरी आपकी रॉक्स का टाइप क्या है, उस बेसिस के ऊपर केमिकल एक्टिविटी जो वेदरिंग होती है, ठीक है। अगर वही कंडीशन ड्राई हो जाए तो मैकेनिकल, जैसे कि डेजर्ट में केवल मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस। सो मैकेनिकल वेदरिंग इज हाईली इफेक्टिव इन ड्राई कंडीशंस, इट कैन बी सीन इन आर थार डेजर्ट। फाइन, चलिए आगे चलते हैं, इतना अपना हो गया। अब अपन कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सविंद्र सिंह है बुक, सविंद्र सिंह की जियोमॉर्फ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हर चैप्टर के लास्ट में टर्मिनोलॉजीज बताई हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर से देख लें, क्योंकि उन टर्मिनोलॉजीज से आपको आइडिया लग जाएगा, डेफिनेशंस मिल जाएंगी, और आपका चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर से देख लें, या फिर आप देखें जो आपकी रूपा मेड सिंपल वाली जो बुक्स हैं, उन बुक्स के अंदर जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आप उनको गूगल कर लें, उनसे क्या होगा, आपको बहुत इजी गोइंग रहेगा। और उससे रिलेटेड आजकल यूपीएससी के पेपर आप अगर आप देखोगे, तो शुरुआती क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनके अंदर एक या दो बुलेट पॉइंट ऐसे आ जाते हैं कि जो किसी की हवा ही नहीं लगने देते, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि रूपा मेड सिंपल के जो बुलेट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको आप आराम से गूगल करो और उनको लिख लो और रिवाइज करो बार बार, जिससे कि आपको याद रहे टर्मिनोलॉजी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ऑरोजेनेटिक मैंने बताया था, माउंटेन फॉर्मेशन, और मोस्टली किससे रिलेटेड है, फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालय जो रॉकीज। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग मतलब क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब दो लैंड मासेज या तो एक दूसरे के ऊपर, एक 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 लैंड मास के ऊपर दूसरा लैंड मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से कहीं पीछे क्रैक आ गया, या फिर दो लैंड मासेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्रैक आ सकता है, ठीक है। फिर बात आती है यूस्टैटिक। यूस्टैटिक मैंने बताया था, ये फोर्सेस सी लेवल से रिलेटेड चीज़ होती है, सी लेवल चेंज, और ये किससे रिलेटेड हो गया, मेनली एटमोसफेयर, क्योंकि आउटर सर्फेस के ऊपर कहीं ये काम हो रहा है, तो यूस्टैटिक ये हो गया। फिर एपिरोजेनिक, एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मैंने बताया था, कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओशियंस भी बिल्ड हो रहे हैं साथ साथ में, पर एपिरोजेनिक जो टर्म है वो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड ही है, इसको ओशियन से कोरिलेट मत कर देना, कई बार पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर एपिरोजेनिक फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, नो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स यही बोला जाएगा इसको। आइसोस्टेटिक जो टर्म है वो अपन ने बताया था कि बैलेंस क्रिएट करना माउंटेन्स के लिए, मेनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, कोई भी लैंडफॉर्म अर्थ सर्फेस के ऊपर डेवलप हो चुका है, तो जैसे कि बायंसी फोर्स ऑन शेप, मैंने अभी बता ही दिया था ये चीज़ कैसे चीज़ होती है। फिर बात आती है लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स अपना मेन जो है फोकस रहेगा। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म क्या होते हैं, ये क्रिस्टल फीचर्स होते हैं जो कि डायनेमिक व्हील
के अंडर गोइंग है, मतलब ये स्टैटिक काम नहीं है, ये डायनामिक काम है, और वो भी कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पे। अर्थ का क्रस्ट कहाँ होता है, आउटर आउटर सर आउटर पोर्शन क्रस्ट, यहीं पे एक्टिविटीज होती है सारी की सारी, माउंटेन बिल्डिंग, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेल्टा फॉर्मेशन, ओशन ओशन वेव वेव्स की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है, सारी क्रस्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। और थ्रू द क्रिएशन एंड डिफॉर्मेशन, इनमें जो मेन काम है, पहले तो बनाएंगे कौन, एंडोजेनेटिक फॉर्मेशन, एंड डिफॉर्मेशन कौन करेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। सिंपल। अब डिफॉर्मेशन आपका एंडोजेनेटिक से भी हो सकता है, जैसे कि अपन ने देखा था फास्ट वाले कौन से थे, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, इनकी वजह से भी डिफॉर्मेशन हो सकता है, कि जैसे कि अपन देखते हैं लैंडफॉर्म डिफॉर्म होते हैं जब कभी भी अर्थक्वेक आता है। तो दीज आर क्रिस्टल इररेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड बाई एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। क्रिस्टल इररेगुलरिटीज होती है, उनको अपन लैंडफॉर्म्स बोल देते हैं। इररेगुलर ही तो है, मान लो एक सरफेस एकदम फ्लैट है तो इररेगुलर नहीं है, तो अपन इस पर क्या बोलेंगे, लैंडफॉर्म है, नहीं नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पे कोई माउंटेन बन गया, कोई प्लेट्यू बन गया, कोई प्लेन बन गया, तो इस फॉर्म को तो अपन बोल देंगे कि हाँ जी कुछ वेरिएशन आया है, कुछ इररेगुलरिटीज आ गई, तो इसको ये लैंडफॉर्म अपन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। डेविस, WM डेविस, बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफर, अपन इसके बारे में जब डेविशन साइकिल ऑफ इरोजन भी पढ़ेंगे, इनसे इन्होंने बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी थी, बहुत से क्रिटिसिज्म भी है इनके, इनके बेसिस पे डेविस, पैंक, किंग, ये सारे अपन स्टडी करेंगे डिटेल से अच्छे से। अकॉर्डिंग टू डेविस, लैंडफॉर्म जो है वो फंक्शन ऑफ ट्रायो ट्रायो डेविसियन ट्रायो कौन से थे, स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है आपका लैंडमास का, प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, रिवर से हो रहा है, विंड से हो रहा है, या ग्लेशियर से हो रहा है, कौन से प्रोसेस से आपका इरोजन हो रहा है। तीसरा स्टेज, कि अभी यूथ है कि मच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है। तो इस तरीके से कोई भी लैंडफॉर्म जो है वो किस बेस पे डिसाइड होता है, कि क्या तो स्ट्रक्चर हो उनके रॉक्स की, क्या प्रोसेस से उसका इरोजन हुआ है, या लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन हुआ है, और क्या स्टेज पे अभी चल रहा है। इस बेसिस के ऊपर हम अपन बता सकते हैं कि जो लैंडफॉर्म अभी डेवलप होया हुआ है वो क्या है। तो इनको बोलते हैं ट्रायो ऑफ डेविस। इसके ऊपर UPSC ने ज्योग्राफी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, कोट्स, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इन कोट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोट्स दे देते हैं, हाँ जी ये कोट है, अब उसको आप एलैबोरेट करो। अब जब आपको ये टर्म्स ही नहीं पता है तो अपन कैसे करेंगे, ये कोट ही नहीं पता किसने बोला है तो ये कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विद द टाइम मैं बताता रहूँगा आपको और भी चीज़ें। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स की, जो अर्थ सरफेस पे लैंडफॉर्म डेवलप हो चुके हैं उनके कितने टाइप होते हैं। देखो इनको तीन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, 1 डिग्री प्राइमरी, 2nd डिग्री सेकेंडरी, 3rd डिग्री टर्शरी। ये तीन तरीके के लैंडफॉर्म अपन डेवलप देख सकते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, जिनमें फर्स्ट आपका 1 डिग्री लैंडफॉर्म। इसका एग्जांपल है सिंपल सा, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट सबसे पहले फॉर्मेशन में जो आए उनको 1 डिग्री, राइट। ये जो है ये प्रोडक्ट किसके हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और वो भी कौन से, आपके डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, मतलब क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे, खत्म नहीं हो रहा कुछ भी, कैटास्ट्रॉफिज्म इज नॉट देयर, देयर इज ओनली डायस्ट्रॉफिज्म विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेज। ओके, एंडोजेनेटिक फोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैटास्ट्रॉफिक, अनादर इज डायस्ट्रॉफिक। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 डिग्री लैंडफॉर्म, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनफॉर्मेशन, नॉट इन डीफॉर्मेशन, इट्स इन इनफॉर्मेशन, फॉर्मेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई द कॉन्टिनेंट्स आर बींग फॉर्म्ड। इफ कॉन्टिनेंट्स आर बींग फॉर्म्ड, देयर विल बी डेफिनेटली ओशंस। ओके, तो इस तरीके से ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों हैंड इन हैंड चले। एंडोजेनेटिक फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं वो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई कर रहे हैं इनको, अपने को पता है। कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इंडियन प्लेट है वो, क्या यूरेशियन प्लेट के अंदर कोलाइड कर रही है, माउंटेन्स बिल्डिंग हो रही है, इसका क्रिस्टल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कहीं से नई माउंटेन बिल्डिंग निकल रही है तो क्रिस्टल क्रस्ट क्रिएट हो रहा है, कंजम्पशन क्रिएशन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, कंटिन्यूसली मॉडिफाई। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा आता है आपका 2nd डिग्री लैंडफॉर्म, सेकेंडरी लैंडफॉर्म। अब आपके कॉन्टिनेंट बन गए, ओशियंस आपके बन चुके हैं, अब क्या होगा जी,
नया काम एक ही हो सकता है, माउंटेन्स बन जाएंगे या कोई प्लेट्यूज बन जाएंगे, या फिर इनसे मिट्टी बह बह के कहीं पे आपके फ्लड प्लेन्स आपके बन जाएंगे। तो इनको अपन बोल देंगे क्या, सेकेंड डिग्री लैंड, सॉरी वन सेकेंड, हाँ सेकेंड डिग्री लैंड फॉर्म्स, जिनके अंदर माउंटेन प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आ गए। ये जो है यहाँ पे आपको पता है इरोजन का काम आ गया, माउंटेन्स से क्या हो रहा है, इरोड होके ही तो प्लेन्स बनेंगे, माउंटेन्स भी, और किसी भी माउंटेन का डिफॉर्मेशन होगा या फिर किसी भी तरीके से वो उनकी हाइट अगर नीचे जा रही है तो वो काम कौन करेगा, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे, पहले तो केवल क्या था एंडोजेनेटिक फोर्सेस, यहाँ पे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक दोनों काम करेंगे। इसके अंदर रिसेंटली इन्हीं के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को भी ऐड कर दिया गया है। ये अपने को याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कौन सी लैंड फॉर्म में कंसिडर होती है, तो टू डिग्री मीन्स सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स के अंदर कंसिडर होती है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हिमालय के अंदर बहुत फेमस है, इसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। फिर आता है थर्ड डिग्री लैंड फॉर्म, इसमें इरोजनल डिपोजिशनल ये दोनों आपके बनेंगे। इरोजन क्या हो गया, मान लो कोई माउंटेन है, इसका इरोजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे, पीक बन सकते हैं, पिनेकल्स बन सकते हैं, गॉर्जेज, गॉर्जेज मीन्स आपको पता ही है कोई रिवर फ्लो हो रही है तो वो क्या करती है, इरोड करती है अपने पाथ में जो भी आता है उसको। तो उनकी वाटर फ्लो के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से वो इरोजन कंटिन्यूस रखती हैं और उसी हिसाब से क्या करते हैं, गॉर्जेज, गहरे गहरे खड्डे बनाना शुरू कर देती है रिवर, कैनियंस बनना, वाटरफॉल्स बनना, ये सारे लैंडफॉर्म्स इरोजनल लैंडफॉर्म जो कि थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म में कंसिडर होते हैं। डिपोजिशनल, इरोजन हो गया तो कहीं ले जाकर के, मैंने आपको बताया था आपको क्या, सॉरी वन सेकेंड, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, देन कॉन्सिक्वेंसेज डिपोजिशन, मीन्स इरोजन कहीं पे हो रहा है तो डिपोजिशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा। तो डिपोजिशन जो लैंड फॉर्म बनते हैं उनको वो हो गया, डेल्टा बन गया आपका, फ्लड प्लेन्स बन गए, नेचुरल लेवी, नेचुरल लेवी क्या होता है, मान लो ये रिवर है तो यहाँ पे इस तरीके से ये एम्बैंकमेंट हो जाता है जिससे कि ये नेचुरल एम्बैंकमेंट है। आजकल तो क्या करना पड़ता है आपने को, दीवार बनानी पड़ती है जिससे कि, या फिर कोई मतलब बेसिन वो क्रिएट करना पड़ता है कि जिसका ये जो फ्लड है ये मतलब ज़्यादा पानी का फ्लो हो जाए तो इधर उधर ना फैल जाए, पर नेचुरली रिवर भी अपने हिसाब से डिपोजिशन करके और ये एम्बैंकमेंट करती है, उसको नेचुरल लेवी भी बोलते हैं। एलुवियल फैन अपन जानते हैं कि माउंटेन से जब कोई भी रिवर फ्लड प्लेन्स में उतरती है तो इस तरीके से यहाँ पे यूँ फैन शेप बनती है, इस फैन शेप को क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस। और ये जो इस तरीके की शेप जस्ट ऑपोजिट बन गई यहाँ पे, जो डिपोजिशन हो जाएगा बाउल्डर्स का, कोबल्स का, इनका, तो उसको बोल देते हैं अपन सॉरी एलुवियल कोन। ये कोन होता है और ये आपका फैन होता है, जहाँ से जस्ट ओपन हो रहा है उसके सामने एलुवियल फैन हो गया, ठीक है। और ये हैं ये जो मेनली थर्ड डिग्री जो लैंडफॉर्म से ये आपके किसके प्रोडक्ट है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, मींस एटमॉस्फेरिक रोल ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से आज अपन ने अच्छे से डिटेल से स्टडी किए फोर्सेज ऑन अर्थ, कौन से फोर्सेज काम करते हैं, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, इनकी डिटेलिंग स्टडी करी, थोड़ी टर्मिनोलॉजी अपन ने स्टडी करी, और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, सारे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए इसी तरीके से गार्गी क्लासेस पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों को रिकमेंड करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।